नमस्कार दोस्तों, वेलकम आवर चैनल क्रिक 11 हब पे आपको एक और बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकेंड T20 मैच जो 15 अक्टूबर ट्यूसडे इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे रंगेरी दामुल्ला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे होने वाला है। उसी मैच के बारे में वीडियो पे बात करेंगे। पिच रिपोर्ट, दोस्तों पिच रिपोर्ट की बात करें तो दामुल्ला पे मैच होने वाला है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दामुल्ला एक बैलेंस पिच है जहाँ पे बैट्समैन एंड बॉलर दोनों को समान मदद मिल सकता है, लेकिन पिच थोड़ा बहुत स्लो डाउन भी होते हुए दिखता है जहाँ पे स्पिनर को थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन T20 फॉर्मेट पे अभी के टाइम पे एक फ्लैट पिच बनाया दिया जाता है जहाँ पे बैट्समैन के लिए ढेर सारे मदद होता है, बॉलर के लिए बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ सकता है। फास्ट रेंज पे भी 180 के आसपास रन बनाता और वो भी आसानी से चेस डाउन हो गया था, तो ड्यू पड़ सकता है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगा वो यहाँ पे आपको चेसिंग करते हुए देख सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पे T20 फॉर्मेट पे जो भी टीम टॉस जीतता है बॉलिंग करते हुए दिखता है, तो इस मैच पे भी ऐसा दिख सकता है। लेकिन ये एक स्पिनिंग ट्रैक भी है तो एक सेकेंड मैच होने वाला है, तो अगर उस पिच पे मैच होगा तो तब आपको थोड़ा बहुत स्पिन दिखाई पड़ सकता है। हेड टू हेड रिकॉर्ड, दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो T20 इंटरनेशनल पे श्रीलंका और वेस्ट इंडीज ने 15 मैच पे आमना सामना हुआ इससे पहले, जिसमें से श्रीलंका ने 8 बार और वेस्ट इंडीज ने 7 टाइम जीत हासिल किया है। तो रिकॉर्ड के मामले में हम लोग बराबर ही कह सकता है। लास्ट मैच पे वेस्ट इंडीज ने जीत हासिल किया है और ये मैच श्रीलंका पे होने वाला है, तो श्रीलंका भी अच्छा खासा फाइट देगा। अभी के टाइम पे श्रीलंका एक स्ट्रॉन्ग टीम है, वो लास्ट न्यूजीलैंड को उसके घर में जाके हरा के आ रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग टीम है अभी के टाइम पे श्रीलंका। और वेस्ट इंडीज भी T20 फॉर्मेट पे बहुत ही टैलेंट दिखा देता है, तो इसी कारण एक बहुत ही अच्छा मैच की उम्मीद हम लोग कर सकता है दामुल्ला स्टेडियम पे। प्रोबेबल प्लेइंग 11, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले श्रीलंका की बात कर लेते हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो सेम प्लेइंग 11 के साथ जा सकता है, लेकिन हमको लगता है कि वो एक दो चेंजेस कर सकता है। तो फिलहाल के लिए ओपनिंग में पथुम निशंका, उसके साथ विकेट कीपर बैट्समैन कुशल मेंडिस को हम लोग देख सकता है। वन डाउन पे कुशल पेरेरा, उसके बाद कमांडो मेंडिस। हो सकता है कि कुशल पेरेरा की जगह पे हम लोग दिनेश चंदीमल या अविष्का फर्नांडो को देख सकता है। तो उसके बाद बात करें तो कमांडो मेंडिस, कप्तान चरिता श्रीलंका, वोमा राजपक्षा, वायंदु हसरंगा, विक्रमा सिंघे, मायसा तिक्साना, मायसा पतिराणा और आशिता फर्नांडो को हम लोग श्रीलंका की तरफ से खेलते हुए देख सकता है। श्रीलंका की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो आशिता फर्नांडो, मायसा पतिराणा, मायसा तिक्साना, वायसिंघे, वायंदु हसरंगा, उसके साथ कप्तान कुछ चरिता श्रीलंका भी बॉलिंग कर सकता है, कमांडो मेंडिस भी बॉलिंग कर सकता है जरूरत पड़े तो। श्रीलंका की तरफ से शुरुआती ओवर की बात करें तो लास्ट मैच में वायसिंघे के साथ आशिता फर्नांडो शुरुआती पावर प्ले पे बॉलिंग किया था, उसके साथ वायंदु हसरंगा और मायसा तिक्साना भी आपको शुरुआती पावर प्ले पे बॉलिंग करते हुए देख सकता है। डेथ ओवर की बात करें तो डेथ ओवर में मायसा पतिराणा के साथ आशिता फर्नांडो आपको डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए देख सकता है श्रीलंका की तरफ से। उसके बाद वेस्ट इंडीज की बात करें तो उम्मीद कर रहा है कि वो सेम प्लेइंग 11 के साथ जा सकता है। तो ओपनिंग में ब्रेंडन किंग, उसके साथ इवन लुइस, विकेट कीपर बैट्समैन साई होप, फ्रॉस्टन चेस, कप्तान रामन पावेल, सरफन रदरफोर्ड, रोमारियो साफेट, समर स्विंगर, अल्जारी जोसेफ, गुदाकेस मोटी और समीर जोसेफ को हम लोग वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते हुए देख सकता है। वेस्ट इंडीज की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो समीर जोसेफ, गुदाकेस मोटी, अल्जारी जोसेफ, समर स्विंगर, रोमारियो साफेट, उसके साथ रोस्टन चेस भी आपको बॉलिंग करते हुए देखेंगे। जरूरत पड़े तो कप्तान खुद रामन पावेल या सदन रदरफोर्ड भी बॉलिंग कर सकता है, लेकिन शायद उन लोगों का जरूरत ना पड़े। वेस्ट इंडीज की तरफ से शुरुआती ओवर की बात करें तो अल्जारी जोसेफ के साथ समीर जोसेफ, उसके साथ रोमारियो साफेट आपको शुरुआती पावर प्ले पे बॉलिंग करते हुए देख सकता है। और डेथ ओवर में भी आपको अल्जारी जोसेफ के साथ रोमारियो साफेट, उसके साथ समीर जोसेफ आपको डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए देख सकता है वेस्ट इंडीज की तरफ से। श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज ड्रीम 11 टीम। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए क्रिक 11 हब ऑफिशियल, हमारे चैनल दिखाई देगा नीचे डिस्क्रिप्शन पर, और कमेंट सेक्शन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम बहुत ही जरूरी है क्योंकि फाइनल अपडेट वहीं पे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम पे जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विकेट कीपर सेक्शन से कुशल मेंडिस और साई होप को पिक किया है, दोनों ही बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। कुशल मेंडिस आपको श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग में बैटिंग करते हुए देखेंगे और साई होप शायद वन डाउन पे आपको बैटिंग करते हुए देख सकता है।
वेस्टइंडीज की तरफ से T20 फॉर्मेट में दोनों ही ठीक ठाक बैट्समैन है, टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, तो आपके लिए थोड़ा बहुत रन बना के दे सकता है और विकेट कीपिंग सेक्शन से भी आपको पॉइंट दिलाएगा, तो इसीलिए दोनों ही आपके स्मॉल लीग पे एक ठीक ठाक ऑप्शन है। नीचे से आप दिनेश चंदीमल अगर खेलता है तो आप इनके साथ जा सकते हो, वन डाउन पे इनको आप बैटिंग करते हुए देख सकते हो श्रीलंका की तरफ से अगर खेलता है तो। उसके बाद बैटिंग सेक्शन पे चलते हैं। बैटिंग सेक्शन से ब्रैंडन किंग, लुइस और पथुम निशांका को पिक किया है। यहाँ पे चरिता असलंका और कुशल पेर्रा भी एक ठीक ठाक ऑप्शन है। क्रामेन बावेल को आप जीएल बिन जीएल पे ट्राई कर लीजिएगा। राजापक्सा और रदरफोर्ड को भी आप ट्राई कर सकते हो थोड़ा सा रिक्स लेके। अविष्का फर्नांडो अगर खेलता है तो आप उनके साथ भी जा सकते हो। यहाँ पे हम लोग ब्रैंडन किंग और लुइस को पिक किया है। दोनों ही वेस्टइंडीज की तरफ से ओपनिंग में बैटिंग करते हुए आएंगे, ठीक ठाक बैट्समैन है, हिट और मिस टाइप वाला प्लेयर भी है, लेकिन लास्ट मैच पे बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेला था। T20 फॉर्मेट पे ऐसा ही प्लेयर अभी के टाइम पे चलता है, तो इसीलिए दोनों ही आपके स्मॉल लीग पे ठीक ठाक ऑप्शन। पथुम निशांका भी श्रीलंका की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन होगा, भले ही लास्ट मैच पे जल्दी आउट हो गया हो, लेकिन T20 फॉर्मेट में एक ठीक ठाक और रिलायबल प्लेयर है, तो आप इनके साथ जा सकते हो। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन पे चलते, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग वैंदु हसरंगा, कमाइंदो मेंडिस, रोमारियो सफेट और रोस्टनचेस चारों प्लेयर को पिक किया है। चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके लिए। वैंदु हसरंगा आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से पॉइंट दिला सकता है, बैटिंग पे ऊपर प्रमोट भी हो सकता है और बॉलिंग से तो जानते या बोलने का जरूरत ही नहीं है, कितना अच्छा बॉलर है, अच्छा खासा विकेट लेते हुए जा सकता है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। कमाइंदो मेंडिस भी ठीक ठाक ऑप्शन है श्रीलंका की तरफ से, टू डाउन पे इनको आप बैटिंग करते हुए देखेंगे, उसके साथ साथ एक दो बार आपको बॉलिंग करते हुए भी देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बॉलिंग करते हुए कई बार अच्छा खासा विकेट लेते हुए जाता है, तो आपके लिए एक ठीक ठाक ऑप्शन है। रोमारियो सफेट बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है वेस्ट इंडीज की तरफ से, बैटिंग से कितना उम्मीद तो नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन बॉलिंग पे बहुत ही जबरदस्त है, डेथ ओवर में शुरुआती पावर प्ले पे बॉलिंग करता है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा और मौका मिलते बैटिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट आपको दिला के जा सकता है, तो आपके टीम के लिए ठीक ठाक ऑप्शन है। रस्टन चेस की बात करें तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा वेस्ट इंडीज की तरफ से, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से इनके साथ हम लोग उम्मीद कर सकता है कि चार ओवर बॉलिंग करता है, ऊपर से टू डाउन पे बैटिंग करते हुए देखेंगे, ठीक ठाक बैट्समैन है, तो आपके लिए स्मॉल लीग पे एक मास्टर पिक हो जाता है। विक्रमासिंघे को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक ठाक ऑप्शन है, ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से पॉइंट दिला सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप छोड़ा है, आप चाहो तो ट्राई कर लेना अपनी टीम पे। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन पे चलते, बॉलिंग सेक्शन से हम लोगों ने सिर्फ दो ही प्लेयर को पिक किया है अभी तक, लेकिन आप चाहो तो और भी प्लेयर को पिक कर सकते हो। महेशा पतिराणा और अल्जारी जोसेफ दोनों ही टीम के लिए प्रमुख गेंदबाज, श्रीलंका के लिए महेशा पतिराणा और वेस्ट इंडीज के लिए अल्जारी जोसेफ, दोनों विकेट टेकर है, शुरुआती पावर प्ले पे बॉलिंग करते हुए देखेंगे अल्जारी जोसेफ को और डेथ ओवर में भी थोड़ा बहुत बॉलिंग करता है, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। महेशा पतिराणा भी ठीक ठाक ऑप्शन है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है श्रीलंका की तरफ से, श्रीलंका अगर पहले बॉलिंग कर रहा है तो उस टाइम पे आप कैप्टन वर्स कैप्टन में भी इनके साथ जा सकते हो। गुलाकेश मोटी को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, विकेट टेकर है, आप इनके साथ जा सकते हो। जोसेफ थोड़ा सा रिक्स होगा, लेकिन आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, खासकर अगर वेस्ट इंडीज पहले बॉलिंग कर रहा है। महेशा तिक्साना विकेट ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो अपने टीम पे। असिता फर्नांडो को आप ट्राई कर सकते हो, खास करके अगर श्रीलंका पहले बॉलिंग कर रहा है। बाकी जो भी खेलता है अब अपने हिसाब से थोड़ा बहुत देख लेना जीएल मिनी जीएल पे। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो कैप्टन वाइस कैप्टन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन वैंदु हसरंगा को हम लोगों ने कैप्टन में ट्राई किया है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्वेंदो मेंडिस को भी ट्राई कर सकते हो, बहुत लोगों ने ट्राई किया है, आप 25% देख सकते हो ड्रीम इलेवन पे, बहुत सारे प्लेयर ने क्वेंदो मेंडिस को कैप्टन में ट्राई किया है, आप चाहो तो उनके साथ भी जा सकते हो। वैंदु हसरंगा को हम लोगों ने ट्राई किया है और वाइस कैप्टन में थोड़ा सा टिकी रोस्टन चेस के साथ हम लोग ने गया है, बहुत ही बड़ा गेम है, अगर रोस्टन चेस क्लिक करने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से आपको पॉइंट दिलाएगा, तो इसलिए रोस्टन चेस को हम लोगों ने चूज किया है। अगर श्रीलंका पहले बॉलिंग कर रहा है तो उस टाइम पे महेशा पतिराणा को ट्राई कर सकते हो, बैटिंग से तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप किसी के साथ भी जा सकते हो अपने हिसाब से। तो फिलहाल के लिए ये रहेगा हमारा अभी तक का टीम, फाइनल अपडेट जो भी रहेगा वो हमारे टेलीग्राम पे आपको तुरंत मिल जाएगा लास्ट मिनट पे। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा
और अपने हिसाब से जो भी चेंजेस लगता है वो कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हो। तो वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।